आईफाई कहाँ है? आईफाई ने मुझे कमरे में रहने को बोला था, तो मैं बैठ गई। फिर तो आईफाई आईच नहीं, इसलिए मैं उसको ढूंढने बाहर आ गई। कहाँ गई आईफाई? वो स्वरा है ना, उसे चोट आई है, इसलिए आईफाई उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। स्वरा जो सिर पे पल्लू डालती है, वो बहुत अच्छा पोहा बनाती है। उन्हें चोट ज्यादा लग गई, वो रोई थी क्या? आईफाई को दुख हुआ था, वो जो सिर पे पल्लू डालती है वो मर जाएंगी। अरे ऐसे नहीं बोलते। नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम बाबा से प्रार्थना करो कि वो पल्लू वाली आंटी ठीक होकर जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। वैसे भी गणपति बाबा बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं ना। हाय स्वर, आईसीयू में है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आई बस प्रे करो। हाँ और आई तुम मुक्कू से कह देना कि अगर वो मुझसे बात करना चाहती है ना, तो मल्हार जी के फ़ोन पे कॉल करे। मेरा फ़ोन मैं वहीं घर पे छोड़ आई हूँ। मैं तुम्हें सब अपडेट देती रहूँगी। मल्हार जी एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं आप? आज तक मैं चुप था तो सिर्फ बबड़ी की वजह से, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगा।